ओके, वेलकम बैक टू अनदर। दोस्तों मैंने जहाँ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। तो दोस्तों बहुत सारे आसार जाग रहे हैं, बहुत भाइयों ने पहले बहुत मुझे परेशान किया, सभी को परेशान करते थे, हर एक वीडियो में जाके कमेंट करते थे, किसी की भी हो, अगर BTT यानी बिट टोरेंट BTTC के बारे में किसी की भी वीडियो होती थी ना, उस पर जाके लिखता दिस कॉइन इज डेड, ये कॉइन ख़त्म हो गया, डेड हो गया, ये नहीं भरने वाला है, फेक यूट्यूबर, ये वो जो भी फलाना ढिमकाना जो भी लिखते। लेकिन जब उसकी बोलती बंद हुआ, जब ये मल्टीपल एक्स प्रॉफिट हुआ, तो अब उसके ही मन में ये सवाल आने लगा, क्या एक रुपया पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ उसकी पोर्टफोलियो के अंदर भले ही बोलते थे, लेकिन उसके पोर्टफोलियो के अंदर था ये कॉइन और काफ़ी अच्छे मात्रा में था। तो अब उसका सपना है कि अगर एक रुपया चला गया ना तो मेरा तो बात बन जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊँगा। तो क्या एक रुपया जा सकता है? वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इस सीज़न में ये भी सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। मैं सोचा चलो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, परिवार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पुश करके टेलीग्राम चैनल मस्ट जुड़िए फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका यूज़ केस बताते हैं, फिर सप्लाई, फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये जा सकता है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन रहे भाई, अगर काम की बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है कि बड़े लेवल का ये ब्लॉकचेन है, गैस फीस काफ़ी कम है, दूसरे ब्लॉकचेन्स लाइक दैट इथेरियम का हो, BNB का हो, सभी के मुकाबले बहुत कम इसका जो है अगर हम बात करें गैस फीस रखा गया, फिर भी अगर हम देखें तो थोड़ा कम ही इसका यूज़ होता है। लेकिन मल्टी चेन के मामले में ये सबसे आगे है और इसका यूज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, खासकर डैप्स बनाने के लिए इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, इसके मल्टी चेन्स को यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, क्रॉस चेन जिसको हम बोलते हैं, अगर एक ही कॉइन है, एक ही डैप है, उसको मल्टीपल ब्लॉक चेन के ऊपर लेके जाना है, तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है इन द फ्यूचर के लिए। लेकिन मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, एक सबसे बड़ा बिगेस्ट काम जो है जो इसको एक रुपया तक पॉसिबल में भी बना सकता है ना, वो इसका काम है फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल, जो होने वाला है Web3 यूज केस। Web3 का ट्रेंड आया, ये हवा में उड़ेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज यही है ना, Web3 का तो मेन रूप जो है सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइज की ओर जाना, और डिसेंट्रलाइजेशन में यहाँ पर फाइल शेयर करने के लिए तो कुछ चाहिए, तो वहाँ पर यूज़ होगा इसका फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल। हम यहाँ बैठे कहीं भी भेजना है, किसी भी थर्ड पार्टी के जरिए नहीं भेजना है, ब्लॉकचेन के ऊपर अपलोड करना, ब्लॉकचेन के ऊपर ही वो लेगा, कोई उस फाइल को नहीं देखेगा। ये है दोस्तों मैन मेथड, किसी भी कंपनी का हो, कहीं का भी हो, वो कि अगला बंदा को होगा, वो की डालेगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करेगा, फिर वो फाइल को उसको ओपन कर सकता है, तीसरा कोई बीच में नहीं। जैसे अभी हम गूगल पे कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो भाई गूगल के पास सब डाटा है, आप अगर कोई भी इमेज अगर रखते हो ना तो गूगल फोटो नाम करके आ रहा होगा, तो आप सोचते उस पर अपलोड कर रहे हैं, उस पर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आपका कभी डिलीट नहीं होगा, ठीक है, अच्छी बात है, डिलीट वाकई में नहीं होगा, लेकिन वो जितना फोटो इमेज है वो गूगल के कंपनी के अंदर वहाँ जो एम्प्लॉय जो निगरानी रखते हैं, जो उसका स्टोरेज सिस्टम है उसके ऊपर वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप छेड़ो या ना छेड़ो वो अगर चाहे तो उसका मिसयूज़ कर सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये चीज़ें नहीं होगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं, ये ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा लाइक दैट, यही जो क्रिप्टो करेंसी है ये तो ब्लॉकचेन के ऊपर है, कोई इसका ऑनर है कोई नहीं, चाहे बिटकॉइन हो या जो भी बहुत सारे आई थिंक अगर हम देखें तो कॉइन से जिसका कोई ऑनर नहीं है, है ना, हालांकि अगर कुछ कॉइन है लिमिटेड सप्लाई है, ऑनर भी है, डेवलपर भी है, लेकिन फिर जो सप्लाई उसने ऐड कर लिया उसके बाद उसको बढ़ा घटा कुछ नहीं कर सकता, वो फिक्स हो गया भाई, अगर वो पूरा का पूरा वो अपना शेयर बेच दिया फिर उसको कस्टमर की तरह खरीदना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होंगी दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर, और उसके अंदर इसका यूज़ केस बहुत बड़े लेवल का, अगर देखें एज अ कंपनी जैसे होता है ना एम्प्लॉय या फ्लोअर्स कितने लोग इसको जानते हैं, तो उसके अंदर भी काफ़ी बड़ा है, 6,22,000 से ज़्यादा, जस्टिन सन का वन ऑफ द बिगेस्ट ये प्रोजेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, BTTC DAO भी अब यहाँ पर ऐड हो चुका है जो इसका नया ट्विटर हैंडल है, और भाई अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ट्रोन के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है विंकनिंग ट्रोन और BTT को ही माना जाता है जस्टिन सन का, और काफ़ी अच्छा अभी जो रिसेंट के अंदर हम सबको प्रॉफिट दिया है, नो डाउट अगर हम देखें अभी के टाइम में, अभी प्रेजेंट जब ये वीडियो बन रहा है, हालांकि मार्केट डंप हुआ है फिर थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है देख सकते हो, लेकिन हमारा BTTC के अंदर पंप ही पंप है, 26% से अभी पंप है भाई,
26% से, और देखो अगर हम देखें तो भैया 54वां रैंक भी आ चुका है, 40% ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ चुका है, सप्लाई तो लगभग इसका सर्कुलेशन के अंदर आ ही चुका है सबका सब, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बर्निंग भी होगा, पूछो यार कैसे होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल, 57% ऑल टाइम हाई से ड्रॉप है, जब ये आया था जो रेट पे आया था वहीं से सीधा डाउन होते ही चला आया था, इसका माइग्रेशन हुआ था, आपको नहीं मालूम है तो जाके देख लेना मेरी पुरानी वीडियो के अंदर, पहले बिट टू रेंट हुआ करता था, कम जीरो के साथ हुआ करता था, लेकिन अब BTTC बन चुका है, हालविंग 135 दिन बचा हुआ, उसके बाद बुल रन स्टार्ट होगा, उसके बाद धमाका करेगा, लेकिन अभी अगर आप प्रॉफिट में हैं बुकिंग कर सकते हैं, सब का सब एक्सचेंज पे ये लिस्टिंग है। अब पॉसिबिलिटी है क्या, हमने तो बहुत छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट बनाया, देखो यार छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट बनाया दोस्तों, 36 से सीधा गया यहाँ पर भैया 13, 10 को यहाँ पर जो है डिलीट किया, 50 अभी चल रहा है, और यहाँ पर हमने बाय किया था जब ये 6036 था, तभी तो लोग होते थे डाउन डाउन। तो देखो यार अगर यूज़ केसेस को देखें तो पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है, नो डाउट 1 रुपया जा सकता है, बट यहीं पे अगर हम सप्लाई देखें 990 ट्रिलियन तो मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। INR के अंदर थोड़ा मैं प्राइस देखना जरूर चाहूँगा दोस्तों, INR के अंदर देखते हैं तो भाई 30 है, लेकिन जिस तरह से यूज़ केसेस है, हाइप अगर आया तो 1 रुपया तो नहीं लेकिन 1 सेंट्स के आसपास जरूर यहाँ तक जा सकता है, यानी यहाँ पर से 20 डिलीट करके 1 सेंट्स तक जा सकता है, मे बी 2025 नहीं तो 2030 तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये भी नहीं दाल बात है कि भाई क्रिप्टो है तो बस समझ लो कि 1 रुपया दाल बात है, ये ऐसा नहीं होता भाई, टाइम लगेगा किसी भी चीज़ के लिए। हाँ पॉसिबिलिटी है, वेब 3 का ट्रेंड आया तो भाई काफ़ी चीज़ें हो सकती है, काफ़ी उलटफेर हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, तो आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको होल्डिंग करके रखना पड़ेगा, देन आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर सीधा सिंपल सी बात है, मार्केट रोज़ डाउन और अप जाता है लेकिन यहाँ पर लोगों का पेशेंस ही नहीं रह पाता है, 1-2 ही डिलीट होगा। अभी तक आपने प्रॉफिट ऑलरेडी काफ़ी सारे बुकिंग कर लिए होंगे, मैं खुद भी कर लिया हूँ यार, अरे का 0 और क्लिक होगा और प्रॉफिट बुक करते जाऊंगा तो मैं पेशेंस ही नहीं रख पाऊंगा यार, लगेगा अब डंप होगा भाई, लेते जा भाई जो मिल रहा है। तो ये चीज़ें होती है, सच बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, आप भी जरूर कमेंट के अंदर करना। और ढीट होल्डर जो कुछ टाइम पहले बोलते थे ना, अगर वो बियर मार्केट देखा होगा, वो कोई ढीट नहीं, हाँ बियर मार्केट तो सर्वाइव करो लेकिन ये पंप देख के सब निकलना शुरू हो जाता है। हाँ हार्डवेयर वॉलेट में रखोगे तो फिर नहीं निकाल पाओगे, मैं भी जानता हूँ मेरे पास है, और हार्डवेयर वॉलेट का नहीं, जो एक्सचेंजेस के ऊपर है बस उसके अंदर ही, और वो भी जो अगर स्टैकिंग पे नहीं लगा हुआ है, जो खाली ऐसे रखा हुआ है उसके ऊपर ट्रेडिंग टाइप का शुरू हो जाए, बाय सेल करते रहो, है ना, तो ये चीज़ें होती है। ठीक है तो भाई 1 रुपया मुश्किल है, 1 पैसा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, मेरा जो अनुमान है, बाकी इसके ऊपर आप अपना भी जरूर ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, आपको क्या लगता है। बाकी यार वीडियो को लाइक करो दबा के, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करो। ठीक है मिलता हूँ नेक्स्ट रूम में, आज कितना है, गुड बाय।